हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल मोहित मैथ्स गुरु में। जो सीखने जा रहे हैं वो पार्ट 10 स्टैंडर्ड डेविएशन का, जिसके अंदर डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज, और उसमें भी हम एक्चुअल मीन से करेंगे इसको। उससे पहले हमने पार्ट 9 किया था, वो भी स्टैंडर्ड डेविएशन था, जिसके अंदर इंडिविजुअल सीरीज थी। उसका लिंक मैंने नीचे डाल दिया, उसको जरूर देखना, तभी आपको पार्ट 10 समझ आएगा। हमने जा रहे हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज एक साथ, जिसके अंदर एक्चुअल मीन निकाल रहे हैं, हम एक्चुअल मीन से निकाल रहे हैं। आपको कॉन्टिन्यूस देगा तो क्लास इंटरवल दिया होगा और फ्रीक्वेंसी दी होगी, डिस्क्रीट दिया होगा तो या एक्स और एफ दिया होगा। बस कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्लास इंटरवल से एक्स निकालना पड़ेगा, कैसे, दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड। अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो 120 आएगा, और उसका हाफ करेंगे 60 आएगा। ऐसे इन दोनों को प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 122 आएगा, और उसका हाफ करेंगे तो 61 आएगा। तो ऐसे आपका एक्स निकल जाएगा। तो क्लास इंटरवल में बस आपको एक्स निकालना आना चाहिए, उसके बाद एक्स और एफ वही डिस्क्रीट सीरीज जैसा होता है, उसके बाद कॉन्टिन्यूस सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में कोई फर्क नहीं आता, सारी टेबल आगे की प्रोसेस सेम होती है। लोग इसको करते हैं, अब एक्स और एफ लेकर के कॉन्टिन्यूस सीरीज हमने हटा दी, प्रोसेस कॉन्टिन्यूस रख गया। कैसे करना है, सबसे पहले हमें निकालना है एफ एक्स, जिससे हम मीन निकालते थे, एक्चुअल मीन निकालना है एफ इंटू एक्स। तो एक्स फॉर एक्स ये दोनों है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 16 × 2 इज 120, 61 को 1 से करेंगे तो आएगा 61, 62 को 12 से करवाएगा करने पर 744, 63 को 29 से 1827, फिर उसका 64 को 25 से आएगा 1600, फिर 65 को 12 से 780, फिर 66 को 10 से 660, 67 को 4 से 268, और 68 को 5 से 340। इन सब का टोटल कर लेंगे, टोटल करने पे आया 6400। इससे हमारा मीन निकल जाएगा एफ एक्स और एफ के टोटल से। एफ का टोटल 100 था, सिग्मा एफ एक्स का टोटल 6400, तो हमने ले लिया सिग्मा एफ 100 और सिग्मा एफ एक्स 6400। तो हमारा फॉर्मूला होता है एक्स बार सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो ये था 6400 डिवाइड में 100, ये 00 कैंसिल आउट हो गई, और ये x बार आ गया हमारा 64। तो हमारा x बार मीन आ गया 64। इसका यूज़ करके हम क्या निकाल लेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे पहले हमारा अब निकलेगा x माइनस x बार, जिसको हम स्मॉल x से डिनोट करते हैं, कैपिटल x होता है। तो x माइनस x बार में हमारे x बार की वैल्यू 64 आई थी, तो हम 64 को x से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये जितने भी एक्स है सबको 64 से माइनस कर देते हैं, तो 60 माइनस 64 इज माइनस 4, 61 में से गया तो माइनस 3, 62 माइनस 64 इज माइनस 2, 63 माइनस 64 इज माइनस 1, 64 माइनस 64 इज 0, 65 माइनस 64 इज 1, 66 माइनस 64 इज 2, 67 माइनस 64 इज 3, और 68 माइनस 64 इज 4। इसका टोटल 0 ही आएगा, जब हम अर्थमेटिक मीन से करते हैं तो इसका टोटल 0 ही आता है। उसके बाद हमें निकालना है x माइनस x बार का होल स्क्वायर, और इसको स्मॉल x स्क्वायर। इसके लिए अब हम वैल्यू इनका सबका स्क्वायर कर देते हैं। माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 16 होता है, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। इसके भी हमें टोटल की ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद हमें क्या करना है, इस f को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, इस f को x माइनस x बार के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। तो करेंगे तो f x माइनस x बार का होल स्क्वायर, या फिर f x स्क्वायर स्मॉल। तो इसको इनटू कर लेते हैं दोनों को, 216 जा कितना हो गया 32, 19 जा 9, 12 4 जा 48, 29 1 जा 29, 25 0 जा 0, 12 1 जा 12, 4 10 जा 40, 4 9 जा 36, 16 5 जा 80। इसका टोटल कर लेते हैं, तो इसका टोटल करने पे आया 286। अब वेरिएंस का फॉर्म लगाएंगे, जो होता है 1 अपॉन एन सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, या फिर 1 बाय एन सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर स्मॉल वाला। तो दोनों तो सेम ही है, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। 1 बाय एन कितना हमारे पास, एन इस बार एफ सिग्मा एफ ही बोला जाता है हमारा, वो है 100, यही हमारा एन था। तो इसको पुट कर देते हैं 1 बाय 100 इंटू 286, इसको डिवाइड कर देंगे 100 से, तो 2.86। तो हमारा वेरियंस को आधा नए स्क्वायर से बोलते हैं, तो 2.86 आ गया। हमारा वेरियंस कितना निकल गया, 2.86। इससे स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे,
स्टेंटाविशन शॉर्ट फॉर्म में एचडी, और ये इसको डिनोट कर लेते हैं अंडर रूट वेरिएंस, वेरिएंस आया था रूट 2.86, 2.86 का रूट होता है 1.69, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गया हमारा, ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन निकल गया 1.69, कंप्लीट है। थैंक यू।